तो आज हम बात करेंगे सीक्वल सर्वर के बारे में, जी एसक्यूएल। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का हमारे पास एसक्यूएल सर्वर है। एसक्यूएल का यूज क्या है जान? एसक्यूएल का यूज अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि एसक्यूएल सर्वर का यूज है स्टोर डेटा स्टोरेज, लार्ज डेटा स्टोरेज, सर्वर बेस्ड डेटा स्टोरेज। अब किसी कंपनी का डेटा एक्सेल पे नहीं हो सकता ना, जैसे आप अमेजोन को ही ले लीजिए, फ्लिपकार्ट ले लीजिए, तो उनकी जो डेटा है डेटा एक्सेल पे हो थी होगा सर, ब्राउजिंग हिस्ट्री से लेके हिट से लेके सेल से लेके अपलोड से लेके रिकवरी से ले, सॉरी डिलीवरी से लेके, इतने सारे टेबल्स होंगे, इतने सारे डेटा होंगे, तो जाहिर सी बात है एक सर्वर पे होंगे, एक नहीं कई सारे सर्वर पे होंगे। तो कई सारे सर्वर जो होगा उसको एक मैनेजमेंट चाहिए ना डेटा को रखने के लिए, स्टैक को रखने के लिए। अब मैं इतना टेक्निकल डीप में नहीं जा रहा हूं क्योंकि आप लोग इंजीनियरिंग वगैरह तो कर नहीं रहे हैं, बस जान लीजिए कि सिक्वल सर्वर एक सर्वर है जहां पे हम लार्ज डेटा को स्टोर करते हैं, जहां पे डेटा हमारा सिक्योर होता है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है, ये है हमारा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। इसके देखिए सर्वर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सर्वर, दूसरा होता है उसका स्टूडियो जिससे हम इंटरफेस कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी सर्वर पे इसके जरिए लिंक गया है और सर्वर के अंदर डेटाबेसेज है, डेटाबेसेज के अंदर टेबल्स है, टेबल्स के अंदर हमारे डेटा है, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि मुझे इस डेटा को चाहिए, मुझे मान लो मैं एक रिपोर्ट बनाने वाला हूं और मुझे ये डेटा अपने रिपोर्टिंग के लिए चाहिए। एक एमआईएस में काम कर रहा हूँ, डेटा लेक्स में काम कर रहा हूँ, तो डेटा मैं कैसे लाऊंगा? तो अगर आपको डेटा लाना है तो आप डेटा देखना है, डेटा लाना है तो आपको सीखना होगा सिक्वल क्यूरी, और यही हमारा कोर्स का मेन टॉपिक है। क्या है सिक्वल क्यूरी? क्या होता है सिक्वल क्यूरी? जैसे अभी हमने क्लिक किया तो ग्राफिकली क्लिक किया तो यहाँ डेटा आ गया, हाँ सर। ये चीजें हम खुद ब खुद भी लिख सकते हैं, कैसे? यहाँ देखिए, हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, ठीक है, और जब इसको रन कीजिएगा तो डेटा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें है कि रिजल्ट एज टेक्स्ट, इस पे क्लिक करके रन करेंगे तो आपको ये टेक्स्ट में आएगा, रिजल्ट एज ए फाइल क्लिक करूंगा तो ये फाइल आपका एक खुलेगा सेव करने के लिए बोलेगा, जो आरटीपी फाइल है वो आपको सेव करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो ये डेटा हमारा इंपोर्ट होके कहाँ आ गया? यहाँ पे डॉक्यूमेंट में sd.rtp। इसको रन करेंगे तो इसको ओपन किसने करना है, और जैसे वर्ड में ओपन करना है तो हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। ये डेटा फॉर्मेट दिख रहा है आपको सर, बट सही ढंग से नहीं खुला हुआ है, तो क्या इसको हम ओपन भी एक्सेल करें? जी नहीं, एक्सेल में तो ओपन होगा ही, नोट पैड में आप ओपन कर सकते, तो इस तरह से डेटा है। अब इस नोट पैड के डेटा को सेव एज करके आप ले आ सकते हैं एक्सेल में, बट वो उतना सही तरीके से नहीं जाए, तो क्यों ना हम इस डेटा, इस डायरेक्ट जो क्यूरी मैंने यहाँ लिखे हैं वो हम एक्सेल पे ही क्यों ना लिखते, या फिर पावर बीआई पे क्यों ना लिखते हैं, या एक्सेस पे क्यों ना लिखते हैं? ठीक है, जो भी हमारा डेटाबेसेस है वहां पे इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे पावर क्यूरी है तो यहाँ पे हमने गेट डेटा पे क्लिक किया, सर यहाँ पे डेटाबेसेस पे सिक्वल सर्वर लिया। अब सिक्वल सर्वर में सबसे पहले आपको यहाँ सर्वर नेम देना होगा, चाहे एक्सेल पे भी कर रहे हो आप तो एक्सेल पे भी आपको सेम करना होगा। कहाँ करना होगा? यहाँ पे फ्रॉम डेटाबेसेस एसक्यूएल सर्वर, सर्वर नेम चाहिए होगा। सर्वर नेम जब कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका सर्वर नेम आता है, ओके। अब यहाँ पे अपना डेटाबेस डालिए कि किस डेटाबेस का डेटा चाहिए, तो मुझे चाहिए 8 PM का, 8 PM, और यहाँ हम अपना क्यूरी लिखेंगे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा,
ठीक है। और जैसे ओके, यहां पे जैसे ओके करेंगे डेटा एसक्यूएल सर्वर से हमारा एक्सेल में आ जाएगा लोड। अभी तो ओवरऑल डेटा आया, लेकिन ओवरऑल डेटा लाना तो पॉसिबल नहीं है ना सर, क्योंकि डेटा तो लाखों करोड़ों का होगा ना सर। तो वहां पे हम कंडीशंस लगाते हैं, क्या लगाते हैं कंडीशन। जैसे कि अब यहां पे अगर हम देखें, मान लीजिए कि मुझे डेटा जो चाहिए वो डेटा चाहिए साउथ का, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे कमांड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा वेयर जोन इक्वल टू साउथ, ठीक है। अब यहां पे ओके आ गया, सिर्फ साउथ का डेटा है। तो एसक्यूएल सर्वर जो है वो आपका डेटा स्टोर करता है। अब यहां पे अगर आप एक डेटा इंजीनियर हैं या आप एक सर्वर बेस पे काम करते हैं, सर्वर के एक्सेस है, सर्वर पे सब कुछ करना है, या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो आपको एसक्यूएल सर्वर की डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब एक डेटा एनालिटिक्स है तो आपको जस्ट यहां से डेटा को निकाल के कहीं रखना आना, जो भी आपके एनालिसिस सर्विस यूज करते हैं, या टैबलो यूज कर रहे हैं, या फिर आप यूज कर रहे हैं पावर बीआई, या यूज कर रहे हैं एक्सेल, या यूज कर रहे हैं एक्सेल। क्लियर है? तो अब जो एसक्यूएल क्यूरी जो है सब पे चलता है। अब जरूरी नहीं कि एक्सेल पे कर लिया। अब मान लीजिएगा आप बोलेंगे सर मैं तो एसक्यूएल सर्वर यूज करता ही नहीं, मैं तो एक्सेल यूज करता हूं, तो मुझे क्यूरी की क्या जरूरत पड़ेगी? तब भी आपको क्यूरी की जरूरत, क्या जरूरत है चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे मैं इसको कर देता हूं वर्ड टू रेंज नॉर्मल डेटा में आ गया, इसका नाम डेटा वर्ड कर देता, ठीक है। क्लियर है? अब मुझे यहां पे कुछ डेटा चाहिए, क्या चाहिए? कुछ डेटा चाहिए, जैसे साउथ का डेटा चाहिए। तो जनरली हम फिल्टर का फॉर्मूला लगाएंगे और डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इंक्लूड में मैं यहां पे अपना जोन ले लिया जो कि इक्वल टू साउथ। यहां से हेडिंग उठा लेता हूं, पेस्ट कर दिया, और ऊपर में मान लीजिए कि मैं यहां पे अपना जोन लिखता हूं साउथ, और मैं लिंक करना चाहता हूं इस। समझ में आ रहा है क्या सर? हाँ सर, आ रहा थोड़ा थोड़ा। यहां पे मैंने साउथ कर दिया, तो ये एक्सेल का फॉर्मूला यूज कर लिए, यहां पे हमारा आ गया, ठीक है, आ गया। अब यहां पे साउथ की जगह पे मैं अगर ईस्ट सेलेक्ट करूं तो ईस्ट का डेटा आएगा, वेस्ट सेलेक्ट करूं तो वेस्ट का डेटा आएगा। अब इसके साथ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे डेटा तो चाहिए, ठीक है। अब इस सीट से डेटा उठा रहा हूं तो एक छोटी सी प्रॉब्लम यहां पे आ रही है कि इसका रेंज लिमिटेड है ना, क्योंकि तो रेंज बढ़ेगा तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि मैं यहां पे फिल्टर में रेंज पूरा कॉलम दे दिया, तो फिर नीचे वो ब्लैंक 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 आएगा, दिक्कत है, फाइल हैंग होगी। दूसरी चीज ये है कि किसी और फाइल के साथ अगर करना हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बात समझ रहे हैं सर? किसी और फाइल के साथ, क्योंकि फॉर्मूला बेस होगा, ये जब तक वो फाइल ओपन होगी तब तक ये अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, सो देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। और फिल्टर फॉर्मूला सारे वर्जन में है भी नहीं, तो एक अगर प्रॉब्लम है। अब इसी चीज को हम सिक्वल के साथ आसानी से कर सकते हैं। तो कैसे? डेटा के अंदर में आप आएंगे तो एक डेटा बेसिस वगैरह है, इसमें अदर सोर्सेज में आपका आता है माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी।
जहां पे आप सिक्योर की क्यूरी ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसके पावर क्यूरी के अंदर भी सिक्योर क्यूरी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी में, हाँ एक मिनट यहाँ पे आते हैं, एक्सेल फाइल एंड ओके, और यहाँ पे हम चले जाते हैं ऑल फाइल नहीं, और सी नहीं डी ड्राइव, इसमें आप देखेंगे बी आई टेबल करके फाइल होगा, ठीक है। देन ओके, इसका सीट वन का चाहिए, सीट वन हमने ले लिया। देन नेक्स्ट, मुझे इस पे कंडीशन चाहिए कि मैं इस पे मंथली देखना चाहता हूँ, इसको बढ़ा सकते हैं, बढ़ा क्यों हो रहा है, मंथ इक्वल, जनरली हम जैन लिख के ओके कर नेक्स्ट किया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे रिटर्न माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी एडिटर पे जाके आप देख सकते हैं कि क्या एडिटर है, दिख रहा है सर ये माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे आप एसक्यूएल क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे आ रहे हैं, आ रहे हैं सर, ठीक है। अब यहां मैं जैन को हटाया और इसको कर दिया मैंने क्वेश्चन मार्क, ये एसक्यूएल क्वेरी देखा, सिलेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये इतना सारा है। अगर मैं इसको हटा दूं और सीधे लिख दूं स्टार, सॉरी ये जो पूरा इतना दिख रहा है ना आपको, इसको डिलीट कर दिया और यहाँ पे स्टार लिख दिया, ठीक है। देन ओके, अब यहाँ पे आता है पैरामीटर्स, तो पैरामीटर्स में हम यहाँ पे यहाँ पे जनाब भैया यहाँ पे ए वन कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लोड एंड क्लोज करते हैं रिटर्न टू एक्सेल, और यहाँ एंड ओके। अब यहाँ पे अगर मैं जैन लिख के एंटर मारू, नहीं सॉरी इसमें गड़बड़ हो गई, मैं क्वेरी कनेक्शन में जाना है, इसकी प्रॉपर्टी पे आना है, प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ डेफिनेशन, यहाँ आप देखिए क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे एडिट पैरामीटर्स पे आइए और यहाँ पे पैरामीटर्स, गेट फ्रॉम द सेल रिफ्रेश ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिक गलत लग गया है, यहाँ पे हमने ए ले लिया। देन देन अब यार जन करे थे, अब यहाँ पे फैब करेंगे तो फैब का आएगा, मार्च करेंगे तो मार्च का आएगा। सेम इसी तरह से हम एक्सेस के अंदर, एमएस एक्सेस डेटाबेस है तो यहाँ भी आप सिक्योर क्यूरी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्यूरी वन है, यहाँ पे व्यू एसक्यूएल व्यू ए रहा एसक्यूएल, दिख रहा है आपको, यहाँ भी एसक्यूएल वगैरह हम लिख सकते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, अब इसको अगर हम डेटा सीट व्यू पे जाए तो देखिए आ गया यहाँ पे डेटा, समझे। तो एसक्यूएल क्यूरी एक्सेल में भी यूज हो सकती है, पावर बीआई में भी यूज हो सकती है, और यूज हो सकती है आपकी किसमें, एक्सेस के अंदर में। और इसके अलावा वेबसाइट बिल्डिंग कर रहे हैं वहां पे, अगर आपको जैसे फॉर्म वगैरह होते हैं, फॉर्म फॉर्म पे क्लिक करते हैं डेटा सेव हो जाता है, आप पैथन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपने कोई फॉर्म बनाया है, आप चाहते हैं कि जब जब सबमिट पे क्लिक करो तो डेटा वो डेटा किसी डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाए, इस सारे केसेस में आप क्या करेंगे, एसक्यूएल क्यूरी का इस्तेमाल करेंगे, समझ में आया आपको सर।
नरेंद्र जी, हेलो, आवाज नहीं आ रही आपको? समझ अरे में आया आपको पावर बीआई का, ये इसका आधुनिक एक्सपेल क्या है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर, उतना पूरा तो नहीं आ रहा है। जैसे डेटा वेटा का उसको अगर उसमें निकालना है करना है तो, और ये ये तो कैसे मैं आप तो बस बता रहा हूँ कि इसका यूज क्या है, क्या कहाँ कहाँ यूज करेंगे, आगे इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, आपको सिखा थोड़ी रहा हूँ, हाँ ओके 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 सर समझे? जी, सर तो ओके कहने का मतलब है कि आप सिर्फ एसक्यूएल सीख लेंगे तो थोड़ी आप डेटा एनालिटिक्स का काम कर लीजिएगा। हाँ सही है सर। देखिए क्या? हम थोड़ा आना चाहिए नहीं सर। हाँ, जरूरत है, जरूरत है। जहां पे आप लार्ज डेटाबेसिस पे खेलेंगे, जहां पे डेटाबेस पे खेल रहे हैं, जैसे आप ही देखिए ना, एक्सेल पे देखिए, एक्सेल में देखिए ना सर, ऐसे मान लीजिए मुझे दो या दो से ज्यादा डेटा है, उसके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना है, मुझे दोनों के ऊपर कुलेट करना है, तो ये सब चीजें हम स्क्वेल से कर सकते। हालांकि अब तो पावर क्यूरी आ गया, बट पहले स्क्वेल से हम करते थे। राइट क्लिक करके अगर मैं इसको एडिट पे करूं, ये आ जाएगा पावर क्यूरी। ठीक है, अब देखिए यहां दिख रहा है क्यूरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा एसक्यूएल एक्सप्रेस एनपीएम। अब यहां पे मैं कंडीशन अगर लगाना चाहूं तो लगा सकता हूं यहां पे कि वेयर वेयर की ट्राई क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 200। ठीक है, अब यहां पे एंटर मारो, एडिट परमिशंस पे क्लिक करेंगे, एक बार दोबारा रन करवाना पड़ेगा, डेटा अपडेट हो गया, क्वांटिटी सही सर 200 ऊपर वाला आ गया। तो यहां मुझे पता है तभी रखिए सर। क्या सही है सर उसी तरह से कनेक्शन प्रॉपर्टीज पे यहाँ भी हम क्यूरी लिख सकते हैं, एडिट क्यूरी पे क्लिक करेंगे, पैरामीटर्स कैंसिल कर, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ भी एसक्यूएल क्वेरी हम लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखने का तरीका बदल जाता है, मगर यहां भी हम कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट तो सेट आ गया। यहाँ पे क्राइटेरिया वगैरह भी खुद 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 ब खुद भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हमें यहाँ पे ग्रेटर देन 5 ये अपने माइक्रोसॉफ्ट में है सर। नहीं, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट का है, हाँ एक्सेल का है, एक्सेल खोला हुआ है ना, देख यहाँ पे आ गया ग्रेटर देन 500, देन ओके कीजिए। सर अमाउंट सर ग्रेटर देन 500 ही है, अमाउंट की जगह पे मैं अगर यहाँ पे लगा दूँ एमआरपी, कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि 500 वाले एमआरपी है ही नहीं। यहाँ पे मैं 300 कर दूँ तो आए। ठीक है, यहाँ पे मैं टोटलिंग भी करना चाहता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे इसको हटा देता हूँ मैं, तो मुझे क्या करना है, मुझे सर प्रोडक्ट वाइज टोटल क्वांटिटी का समरी चाहिए, मुझे सिर्फ पिवट, मैं पिवट लेना चाहता हूँ, मैं पिवट के बगैर यहीं पे करना चाहता हूँ, समरी चाहिए मुझे। ओके तो इसको मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका आता है
फिल्टर है, डेटा ऐड करने की बात हो रही है, एसक्यूएल में लिखना पड़ेगा यहाँ से। टोटली नहीं, टोटल कर सकते, इसको सेलेक्ट कर लिए इन क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी उन्हें सेलेक्ट नहीं होता। इसके अंदर स्केल में लिखना पड़ेगा। हाँ यहीं पे आपको करना पड़ेगा, फ्रॉम सीट वन ग्रुप बाय से। फिर यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, ईयरली चाहिए तो ग्रुप बाय ईयर हमने कर दिया, या इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा ठीक है, सीट के नेम के साथ। और यहाँ मुझे चाहिए, इसे हटा देता हूँ, इसे हटा देता हूँ। हाँ यहाँ पे आपको लिखना है ईयर, ईयर कॉमा सम पी टू एक क्वांटिटी, ठीक है। अब ये ऐसा ऐसा आप इसमें बीवीएम में इसमें एसक्यूएल में लिखते हैं, बट यहाँ लिखने पे देखिए आ गया, ईयरली टोटल आ गया ना सर, दिखा सर, ये रहा रिटर्न टू एक्सेल। तो एक्सेल पे जो डेटा आपका आया 9K, तो ओवरऑल टोटल ही यहाँ पे, समझे। इसके अंदर डेफिनेशन में जाके देखिए, ये रहा इसका, यहाँ भी इसको हम यहाँ भी क्यों लिख सकते, जरूरी नहीं कि हम जाने वहीं पे जाए, वहां पे डेटा दिख जाता है, हम क्वेरी यहां भी लिख सकते हैं, ठीक है।